यूनिवर्सिटी खनिया। जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए लोग जाते हैं मुखर्जी नगर, तो हिमाचल वाले आते हैं सरस्वती नगर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी इतना बड़े लंच करवाने के लिए। जन्नत की ओर जन्नत। अभी हमें वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम HPCA धर्मशाला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, एक नई सुबह के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। भाई सुबह सुबह दोस्तों, आज जो हमारा ब्लॉग का मतलब ब्लॉग का दिन है ना, वो हमारा 95 डे 365 का मतलब। तो अभी हम चल पड़े हैं आज यूनिवर्सिटी, आज हमारा पेपर, फोर्थ पेपर। तो अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं हम पेपरों में। तो भोलेनाथ के दर्शन करवा लेते हैं आपको। जय भोले बाबा, मालिक खंड पत्तियों महापत्ती महादेव। अभी चलते हैं भाई, तो अभी चलते हैं शिला चौक के पास। पीछे से आ रहे हैं भाई, अभी चलते हैं शिला चौक के पास और वहाँ से लेते हैं बस। फिर देखते हैं आगे और चलते हैं फिर यूनिवर्सिटी कर देते हैं पेपर पेपर क्या होता है आज। और मेरे साथ है रोहित भाई। फिर रोहित भाई ठीक हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तभी हो रहा है बस का वेट शिला चौक के पास। शिला चौक अपने अंबर हो रहा है बस का वेट भाई, कब बस आएगी और कब हम चलेंगे। यूनिवर्सिटी खनियारा। तो जल्दी जल्दी देते हैं पेपर अपना, चलो। तो दोस्तों अभी हमारा पेपर हो चुका है। देखो अंकुश भाई कर रहे हैं फोटो क्लिक। भाई जी रोहित भाई कैसे हो पेपर? खतरनाक। अंकुश भाई पेपर ऊपर कैसे हुआ? अच्छा, आज भी 50 सीटें चाहिए थी। आज भी 50 सीटें चाहिए थी, 40 बहुत थी। यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं क्वार्टर। जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए लोग जाते हैं मुखर्जी नगर, तो हिमाचल वाले आते हैं सरस्वती नगर। क्यों हैं? क्यों अंकु भाई, सच बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे यूपीएससी के, उनमें से एक ए भी है। एसएससी यूपीएससी कुछ तो निकला। तुम कुछ भाई बना रहे अभी खाना, देखिए सब्जी, ये दही भाई, दही और चावल। तो अभी करते हैं लंच। तो लंच भाई अभी कर रहे हैं लंच। फिर रोहित भाई ठीक हो आप? बढ़िया, आप सुनाओ। अच्छा कैसे बना खाना? बहुत बढ़िया, खाओ खाओ, हम भी करते हैं इंजॉय। तो लंच में आ जाऊँगा सुबह ना, देखो ना प्रदीप भाई ने। तो भाई अंकुश भाई के क्वार्टर के पीछे का व्यू, धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी इतना बड़े लंच करवाने के लिए, सच में बहुत टेस्टी बनाया था आपने। सच बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अब। ओके, कब आएंगे? तो दोस्तों अभी अंकुश भाई के साथ हम आ गए घूमने। क्यों अंकु भाई? सेल्फी पॉइंट धर्मशाला शहर। अभी हमने यहाँ पर थोड़े से ये है धर्मशाला सेल्फी पॉइंट। यार बड़े का खींच रहे फोटो यहाँ पर। ए देखो
के महाविद्यालय धर्मशाला मेन रोड से चले भाई एक्सप्लोर करते करते। बताते हैं चलो अंकुश भाई, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको बता दे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचिंग ऑफ एजुकेशन धर्मशाला भाई, धर्मशाला स्टेडियम गेट टू। एंट्री करते हुए हम दोनों स्टेडियम में एंटर करने से पहले हमें लेना पड़े टिकट, वो पड़ा हमें 1 करोड़ इंडिविजुअल तो 60 करोड़। अंकुश भाई चला आगे, आज हम आपको ले चलेंगे जन्नत की ओर। जन्नत तो दोस्तों अभी हमें वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम HPCA धर्मशाला। क्यों भाई? तो भाई यहाँ के मनमोहक नज़ारे, इस सबसे अच्छा स्टेडियम बनाते हैं धौलाधार रेंजेस और धर्मशाला स्टेडियम, वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम इन वर्ल्ड। क्यों अंकुश भाई? बिल्कुल बिल्कुल। फिर और कुछ क्या बताना रहा? बताइए इसके बारे में, स्टेडियम के बारे में। आपने बता तो दिया है। इस बार यहाँ पर किस किस का मैच हुआ है? मैच यार मैंने खुद नहीं देखा। मैं तो यहाँ पर हुआ है न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच। और इस बार जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ने छीन लिया है, पर यहाँ पर नहीं छीना है, यहाँ पर न्यूजीलैंड से मैच। तो भाई देख सकते हो यार, तो अंकुश भाई अभी देख रहे हैं मैच। बहुत इंटरेस्टिंग मैच चला हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच चला हुआ है। और कोहली छक्का मार गया, कोहली छक्का मार गया। तो ये है कुछ स्टेडियम, तो बढ़िया नज़ारे लेते हैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के। अभी चल पड़ेंगे हम धर्मशाला। क्यों भाई? हाँ जी चल पड़ेंगे भाई हम। क्यों टारगेट 2027 ICC मेंस इंडियन 2027 के लिए अभी चलते हैं। तो भाई के साथ अभी हम आ गए हैं पुलिस ग्राउंड। तो भाई यहाँ पर लगाए मैच। क्यों भाई? बिल्कुल अलग ही नज़ारा। हम आ गए हैं फ्राइड मोमो खाने। भाई जगह क्या नाम है? बागसू रेस्टोरेंट। बागसू रेस्टोरेंट कचहरी। तो भाई बागसू रेस्टोरेंट के बढ़िया एंजॉय, मतलब कॉफी एंजॉय करने के बाद मंदिर। जय भोलेनाथ। तो
तो अभी अंकुश भाई ले रहे हैं सब्जी मार्केट से सब्जियां। तो अंकुश भाई हमें दाढ़ी तक छोड़ना है। अंकुश भाई धन्यवाद बहुत बहुत भाई। धन्यवाद कैसा आपके लिए तो हम दाढ़ी क्या अच्छा तो दोस्तों धर्मशाला शहर अंकुश भाई के साथ घूमने के बाद हम आगे थे रूम को। तो अभी कर रहे हैं दीदी स्टडी, कल है इनका पेपर। तो अभी हमारा डिनर भी हो गया है। तो आपको हमारे ब्लॉग में आज कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दे और मिलेंगे हम ऐसे ही ब्लॉग में कल। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।